कॉमरेड रोड वंजारी नगर से अजनी रेलवे सामुदायिक भवन तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और 23 जनवरी को इसका लोकार्पण किया जाएगा। एकाकी जीवन बिताने वाले वृद्ध के पास केयरटेकर का काम करने वाले युवक की अचानक मौत हो गई। यह घटना सोमवार की रात अभ्यंकर नगर में हुई। गांधीबाग में सड़क से सटक कर महज 8 इंच खुदाई कर 11 केवी बिजली की केबल बिछा दी गई। महावितरण के ठेकेदार की इस लापरवाही से लोग हादसे के मुहाने पर खड़े हैं। शहर के एक गुंडे ने हथियार की नोक पर पत्नी और मित्र की मदद से जयपुर की रेस्टोरेंट व्यवसायी युवती को बलात्कार का शिकार बनाया। अंबाजरी पुलिस ने अपराधी को तलवार और चोरी की बाइक के साथ पकड़ा है। आरोपी ऋतिक मारुति ध्रुवे कश्मीरी गली है। शहर के उद्योजक मोहब्बत सिंह तूली द्वारा भाई और भतीजे के फर्जी हस्ताक्षर करके 25 करोड़ रुपए के शेयर हजम करके धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया। एशिया खंड के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल का स्ट्रक्चर ऑडिट होगा। इसके लिए शासन ने 1,90,54,000 रुपए की निधि मंजूर की है। जर्जर हो रहे अंबाजरी तालाब की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? यह सवाल बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार व महानगर पालिका से पूछा और इस पर 2 सप्ताह में सफाई देने के निर्देश दिए। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मोहड़िया ने सरकार से व्यापारियों को कोविड वैक्सीन देने में प्राथमिकता देने की मांग की है। स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके ने मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि वे राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं।